और भाई रमेश कैसे बैठे हैं यहाँ? बस बैठे ही। और तेरे नाटक का क्या रहा? ठीक चल रहा है। तेरे बापू माने नहीं माने? वो कहाँ मानने वाले हैं, उन्हें कौन समझाए, मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता। अच्छा चलता हूँ यार, घर जा रहा है क्या? हाँ उनको चाय भी देनी है। चल ठीक है, फिर सुबह सुबह फिर से वही बातें। ठीक है। क्यों रे, सुबह सुबह कहाँ गया था बारिश में? जरा बाहर गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों बाहर जाता है सुबह सुबह, ताकि मेरी बातें सुननी ना पड़े तुझे। मेरे ऑफिस जाने के बाद तो जनाब घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद शाम को फिर गायब। हल्का पानी आपके जाने के बाद तो उसका मैं क्या करूँ? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पानी तो मिल रहा है तुझे, मेरे मरने के बाद वो भी नसीब नहीं होगा। उसकी चिंता आप मत करो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं, तेरे जैसे थर्ड क्लास बीए होने से अच्छा है अंगूठा छाप होना। इस दुनिया में कम से कम वो लोग अपना बोझ उठा के परिवार तो पालते हैं, तेरे जैसे थर्ड क्लास बीए को कौन नौकरी देगा? अरे तुझे जन्म देते ही गुलाब मर गई, उस दिन के बाद किसी को नजर उठा के नहीं देखा मैंने। ऑफिस के बाद भी चार चार घंटे तक टाइपिंग करता था, इस टिक टिक ने जिंदगी बीत गई मेरी। अरे तेरे जितने बड़े जिनके बेटे होते हैं ना, वो इस उम्र में रिटायर होके आराम की जिंदगी बसर करते हैं। चाय पियेंगे? तुझे पता भी है रिटायरमेंट के बाद एक साल की एक्सटेंशन मिल जाए, उसकी कोशिश कर रहा हूं मैं। साहब के पीछे 3 महीने से कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ घूम रहा हूं। क्या माचिस? नलायक क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ बहुत कुछ किया, मैंने कब नहीं कहा। मैं ज्यादा पढ़ूं इसलिए 8-8 घंटे बंद करके जाते थे ताली में, किताबों से नफरत हो गई थी। लेकिन फिर भी कोशिश करता रहा मैं, अव्वल लाऊं इसलिए पढ़ता रहा मैं। एक बार अव्वल नहीं आया तो झाड़ू से मारा था आपने। क्या उम्र थी मेरी उस वक्त, 10 या 11? लेकिन क्या सोचा है अब तूने, क्या करना है अपनी जिंदगी में? पिछले 8 सालों से जब से मैं पढ़ाई खत्म की है तब से आप यही खट्टा सवाल करते आए और मैं यही मीठा जवाब देते आया हूँ कि मैं नाटक करूंगा। देखा देखा तुमने, मैं तो सोचा था कि जो मैं नहीं कर पाया वो ये करेगा, डॉक्टर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन नहीं, ये तो नौटंकी करेगा, मुंह पे रंग पोतेगा। हर को डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने जरूरी नहीं। तेंदुलकर और जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता उनकी डिग्री क्या है। अच्छा हाँ, अरे किस गधे ने कह दिया तुझे कि तू इनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा तू क्रिकेट खेलेगा,
वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही ज़िंदगी ने मेरे कान में कहा रमेश तू कलाकार बनेगा, उसके सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही एक ही कहा, पूरे समाज की सोच सड़ चुकी है। अकेडमिक सक्सेस इज़ द ओनली सक्सेस इन द लाइफ। मुझे तेरी इन बातों में ना बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ किताबी शिक्षा आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। कभी भी अपने बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए फोर्स मत करिए। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट रखता है और वो फील्ड उसके भविष्य के लिए सही है तो आप खुल के उसका सपोर्ट कीजिए।